ऐसे तमाम स्टूडेंट जो यहाँ पे क्लास फर्स्ट से लेकर अगर आप यूजी या पीजी या डिप्लोमा या प्रोफेशनल कोर्स चाहे हो, बीएससी नर्सिंग की बात करें, आपके बीटेक की बात करें, बीएससी बीए बीकॉम या डिप्लोमा प्रोग्राम चाहे हो, आईटीआई की बात करें, पॉलिटेक्निक की बात करें या क्लास फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक आप अभी पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आप तमाम स्टूडेंट के लिए। अगर आप किसी भी स्टेट से किसी भी कॉलेज से यहाँ पे पढ़ाई रिसेंटली जो कोर्स 2024-2025 का सेशन चल रहा है, तो उसके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आप तमाम स्टूडेंट के लिए हैं। SGST बैंक परिवर्तन ACS प्रोग्राम 2024-2025 के रिगार्डिंग ये स्कॉलरशिप है, जिसके लिए हाइस्ट अमाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं 75,000 रुपीज़ है। ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी। स्टूडेंट कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है, हर एक पॉइंट में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ध्यान देना स्टूडेंट, ये स्कॉलरशिप आप इंडिया के किसी भी स्टेट में हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी क्या है स्टूडेंट, क्लासेस मैंने बता दी, लेकिन यहाँ पे एलिजिबिलिटी इनकम सोर्सेज पे डिपेंड करता है। यहाँ पे अच्छे से पॉइंट्स को नोट करने स्टूडेंट, जो मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ सारी प्रोसेस में यहाँ पे डिस्कस करूँगा स्टूडेंट, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना स्टूडेंट, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी आपकी स्कॉलरशिप ऑल इंडिया बेस पे आती है उसके रिगार्डिंग में आपको वीडियो यहाँ पे कंसिडर करने वाले स्टूडेंट, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। सबसे पहले ध्यान देने स्टूडेंट, सबसे पहले मैं क्लास फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक और जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर डिस्कस करूँगा, चाहे वो ITI वाले हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट हो। इसके बाद में BSc नर्सिंग, JNM, ANM या आपका नॉर्मल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जिसमें BTech, MTech सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती है, उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले ध्यान देने स्टूडेंट, अगर आप क्लास फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक या ITI या पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रहे हैं किसी भी कॉलेज से, देखो स्टूडेंट आप चाहे गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, आप या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से ये कोर्स कर रहे हो, आप एलिजिबल हो। ध्यान देने स्टूडेंट, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है आपके जो परसेंटेज है प्रीवियस ईयर में 55% यहाँ पे होने चाहिए, चीज़ का आप ध्यान रखना। और एनुअल इनकम यहाँ पे आपकी 2.5 लाख तक जो इनकम सर्टिफिकेट रहता है उसमें मैंडेटरी यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, 2.5 लाख या उससे कम यहाँ पे अमाउंट होनी चाहिए इनकम सर्टिफिकेट में, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट, बेनिफिट्स के रिगार्डिंग डिस्कस करूँगा। जो अमाउंट है फर्स्ट से लेकर सिक्स तक के स्टूडेंट अगर आप सिलेक्शन होता है तो 15,000 के अमाउंट आपको यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। और 7 से लेकर 12th या डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक या ITI वाले स्टूडेंट है उस कंडीशन में आपकी जो अमाउंट है यहाँ पे आपको 18,000 के अमाउंट पे की जाएगी अगर आपका स्कॉलरशिप में इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की, जिसके अंतर्गत मैंने कहा कि आपके प्रोफेशनल कोर्स और नॉन प्रोफेशनल कोर्स, नॉन प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत BSc BA BCom BBA ये सारे कोर्सेज आ गए। और आपके जो प्रोफेशनल कोर्स है चाहे वो BSc नर्सिंग की बात करें, BTech की बात करें, MBBS की बात करें, LLB की बात करें, तो इसके रिगार्डिंग भी सेम आपके जो प्रीवियस ईयर में परसेंटेज है 55% होने चाहिए। और जो एनुअल इनकम है आपकी 2.5 लाख से कम या 2.5 लाख के बराबर होनी चाहिए। बेनिफिट्स के रिगार्डिंग ध्यान देने स्टूडेंट, आपके जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, जो नॉर्मल जो मैंने कहा नॉन प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट BA BSc BCom में जो अमाउंट है यहाँ पे 30,000 रुपीज़ के अमाउंट पे की जाएगी अगर आपका सेलेक्ट इस स्कॉलरशिप में आपका नाम शॉर्ट लिस्टेड होता है। और अंडर ग्रेजुएट जो प्रोफेशनल कोर्स है जो BSc नर्सिंग है, आपका BTech वगैरह हो गया, उसके लिए जो अमाउंट है यहाँ पे 50,000 रुपीज़ तक की अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट की जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की, एज ए स्टूडेंट जो यहाँ पे नॉन प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम चाहे वो MCom MA MSc की बात करें और प्रोफेशनल कोर्सेज चाहे वो MTech MBA की बात करें, तो सेम कंडीशन है स्टूडेंट, आपके जो प्रीवियस ईयर में परसेंटेज है 55% होने चाहिए और एनुअल इनकम आपकी 2.5 लाख या उससे कम यहाँ पे होना चाहिए, चीज़ का आप ध्यान रखना। जो जनरल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसके लिए जो अमाउंट है 35,000 रुपये पे किया जाएगा और जो प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके लिए जो MTech वाले हैं उनके लिए यहाँ पे जो अमाउंट है 75,000 रुपये तक के स्कॉलरशिप अमाउंट पाने के लिए आपके लिए ये बेहतरीन मौका है स्टूडेंट। अब यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट, आपको अप्लाई कैसे करना है, नॉर्मली आपको गूगल पे सर्च करना है बडी फॉर स्टडी HDFC बैंक परिवर्तन ACS प्रोग्राम 2024-2025। जैसे आप सर्च करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आप BSc नर्सिंग BA या BCom या BTech का कोर्स कर रहे हैं तो नॉर्मली आपको अंडर ग्रेजुएट वाले ऑप्शन पे जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। ये स्कूल वाले स्टूडेंट है या डिप्लोमा या ITI वाले हैं तो नीचे वाले स्कूल स्टूडेंट मेरिट कम बेस्ड
2024-2025 वाले जो अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे उस पर आपको क्लिक करना है। नॉर्मली मैं अंडर ग्रेजुएट वाला ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद नोट रजिस्टर्ड या क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम जो आपके 10th के डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना स्टूडेंट, आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी अपडेट है आपको ईमेल के थ्रू प्रोवाइड होता है। जैसे आपका फॉर्म फिल हो जाता है स्टूडेंट, जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं उसके बाद आपको मेल भी आती है। इनकेस आपके जो डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिक्कत हो तो आपको बड़ी फोर स्टडी की तरफ से मेल भी आ जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ध्यान देना स्टूडेंट, जब आप इस फॉर्म को फिल कर लेते हैं उसके बाद आपका जो फॉर्म है सबमिटेड होने के बाद आपका स्टेटस चेक किया जाता है। अगर आप उस इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल माने जाते हो उस कंडीशन में आपका फॉर्म का जो स्टेटस है हो आपका, जब आप लॉगिन करोगे वहाँ पे स्टेटस पे कंप्लीटेड शो होगा। कंप्लीटेड जब शो हो जाता है स्टूडेंट उसके बाद आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू यहाँ पे होता है। टेलीफोनिक इंटरव्यू होने के बाद आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होता है स्टूडेंट, इसके रिगार्डिंग भी आपको मेल आती है। देन उसके बाद जो अमाउंट है उसके लिए आपके पास जो बैंक डिटेल्स है वो दोबारा से आपको रिवेरीफाई के लिए मांगी जाती है। देन आपकी जो अमाउंट है क्रेडिट यहाँ पे होती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अनदर क्वेरी आपकी इस स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और ध्यान देना स्टूडेंट, ये जेन्युइन स्कॉलरशिप है। आगामी दिनों में काफ़ी स्कॉलरशिप यहाँ पे आती है, उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना स्टूडेंट। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।